नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप सभी को द न्यूज की पूरी फैमिली के तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में कुछ ही समय बाद जो है विधानसभा चुनाव का शोरगुल जो है देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव सिर पर है और राहुल गांधी एक बार भी अभी चुनाव प्रचार करने के लिए राजस्थान नहीं गए हैं। इसे लेकर आजकल लग रही है कि आखिर राजस्थान में राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभिषेक सिंघवी ने एक सट्टा बाजार जो है फौलादी सट्टा बाजार को लेकर एक दावा किया है, जिस दावे की अब सच्चाई सामने आ रही है। जिस दावे के अनुसार उनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन उसकी असलियत जो है दावे से बिल्कुल अलग थलग निकल के आ रही है। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों बना रखी है राजस्थान से दूरी। तो ऐसे में आपको बता दें, साल 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा। मिजोरम में जहां वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान बाकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी अभी वोट डालने जाना है। चुनावों का ऐलान हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन तब से अब तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान से दूर है। राजस्थान में 25 दिसंबर को वोटिंग होनी है, यानी मतदाताओं को रिझाने के लिए अब सभी दलों के पास एक पखवाड़े वाला समय है। राजस्थान के लिए कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में राहुल गांधी का नाम तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे पर सोनिया गांधी है और तीसरे पर राहुल गांधी है। राहुल गांधी की राजस्थान में अब तक दूरी कांग्रेस पार्टी में फुसफुसाहट का विषय बन चुकी है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव बाद राज्य में कई रैलियां करने के लिए आ रहे हैं। चुनावों के ऐलान के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में 2 रैलियां कर चुके हैं। उन्होंने पहली रैली 12 में 16 अक्टूबर को और दूसरी रैली जोधपुर में 6 नवंबर को की थी। इसी दिन राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने अपना नामांकन भी भरा था। प्रियंका गांधी भी राज्य में 2 रैलियां कर चुके हैं। उन्होंने 20 अक्टूबर को दौसा में और 25 अक्टूबर को झुंझुनू में रैली की थी। हालांकि राहुल गांधी आखिरी बार राजस्थान में आखिरी बार चुनावों के ऐलान से पहले दिखाई दिए थे। राहुल गांधी ने 23 सितंबर को जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इससे पहले वो 9 अगस्त को मनगढ़ में एक रैली में शिरकत करते हुए नजर आए थे। सुखजिंदर सिंह रांधवा आखिर इस मामले को लेकर क्या बोल रहे हैं, तो बता दें आपको, राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रांधवा ने कहा कि अन्य राज्यों में वोटिंग पहले है, इसीलिए राहुल गांधी वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी में अंदरूनी जानकारी रखने वालों की माने तो कांग्रेस ने एमपी और छत्तीसगढ़ में जीतने के ज्यादा चांस है, इसीलिए हो सकता है कि वहां पार्टी का ज्यादा फोकस हो। राहुल गांधी ने दिल्ली में खुद सितंबर महीने में दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अभी हम शायद तेलंगाना में जीत रहे हैं, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान हम बहुत करीब हैं और हमें लगता है कि हम जीतने में सफल रहेंगे। तो राजस्थान में कांग्रेस नेता मानते हैं कि राजस्थान की जीत में कम विश्वास वाली यह बात नहीं करनी चाहिए थी। राजस्थान में पिछले 30 वर्षों से चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी की गुटबाजी को देखते हुए अपने प्रचार की शुरुआत इस उम्मीद के साथ की थी कि वह इस राज्य में उलटफेर कर देगी। हालांकि बीजेपी समय के साथ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों में प्रियंका गांधी प्रचार करती दिखी हैं। सचिन पायलट के नजदीक मानी जाने वाली प्रियंका गांधी ने राज्य में हुई अपनी 3 रैलियों में से 2 उन्हीं के प्रभाव वाले क्षेत्र की है। साल 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थकों द्वारा शुरू हुई कथित विद्रोह की अंत की वजह भी प्रियंका गांधी के प्रयास बताए जाते हैं। सचिन वर्सेस गहलोत में आखिर कौन भारी है। हालांकि इतने समय के बावजूद आपको बता दें कि सचिन पायलट चुनाव में पर्दे के पीछे ही नजर आते हैं। राज्य में चल रहा कांग्रेस पार्टी के कैंपेन में पूरी तरह से अशोक गहलोत छाए हुए नजर आते हैं। राजधानी नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने संकेत दिया कि अगर कांग्रेस जीती है तो उन्हें सीएम बनने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे में अब आपको बता दें कि रिएक्शंस तो आ ही रहे हैं। अब सिर्फ गौर करने वाली बात है कि सचिन पायलट 12 में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पार्टी के ईआरसीपी कैंपेन के शुभारंभ में गायब थे। यहां एक फैक्ट यह भी है कि ईआरसीपी गुज्जर बेल्ट के बड़े हिस्से के कवर करता है। सचिन पायलट गुज्जर समुदाय के संबंध रखते हैं। हालांकि कार्यक्रम में सचिन पायलट के शामिल न होने की आधिकारिक वजह उनके टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम जा रहा था। गहलोत से नाराज है क्या राहुल गांधी? कुछ सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने अब तक राजस्थान पहुंचने की वजह गहलोत पायलट विवाद नहीं, बल्कि पिछले साल गहलोत समर्थकों द्वारा शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर किया गया विद्रोह है। राहुल गांधी कैंप अभी भी इस बात से नाराज है कि पिछले साल सीएम पद पर बने रहने और पायलट को बाहर रखने के लिए गहलोत गुट ने खुले तौर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कैसे चुनौती दी थी। तब कांग्रेस पार्टी ने गहलोत के 3 समर्थकों को नोटिस जारी किया था, इसमें से अब सिर्फ एक शांति धारीवाल को टिकट जो है दिया गया है। कई सारे मामले हैं
कई सारी चीजें हैं। अब आपको बता दें कि टिकट बंटवारे पर भी गहलोत की चली थी, तो हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस के लिस्ट पर नजर मारे तो पता चल रहा है कि गहलोत अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 89 मौजूदा विधायकों को टिकट जय मिल गया है। तो कहा जा रहा है कि क्या पटरी से कांग्रेस का जो कैंपेन है उतर गया है। तो इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस का कैंपेन बिल्कुल भी प्लान के मुताबिक नहीं चलता दिख रहा। ईआरसीपी यात्रा कोई खास रिस्पॉन्स देने में कामयाब नहीं हुई। पार्टी में लॉन्च किए एक दिन बाद कांग्रेस गारंटी यात्रा निलंबित कर दी गई। पार्टी नेताओं का आधिकारिक तौर पर कहना है कि यात्रा दिवाली के बाद फिर से शुरू होगी, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इसमें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ यह है, दूसरी तरफ अब सट्टा बाजार की बात कर लेते हैं। तो फौलादी का सट्टा बाजार राजस्थान में कांग्रेस का सरकार बनाने का दावा कर रही, सच्चाई क्या है? तो कांग्रेस के नेता जाने माने वकील, आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर फौलादी के सट्टा बाजार का जिक्र कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में फौलादी के सट्टा बाजार की रिपोर्ट शेयर की, जिसमें राजस्थान में कांग्रेस को 120 से 130 सीट मिल रही है, बीजेपी को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि जब इस बात को जांच करने के लिए राजस्थान तक के सट्टा बाजार की जांच की गई, सट्टा बाजार को टटोला, तो आंकड़े कुछ और ही इशारा करते हुए नजर आए। दरअसल फौलादी के सट्टा बाजार में बीजेपी को भारी बहुमत जिताते हुए बताया जा रहा है। यह कांग्रेस पर सबसे ज्यादा 4 रुपए प्रति सीट का भाव लगाया गया है। वहीं बीजेपी पर प्रति सीट के हिसाब से 35 पैसे से लेकर 2.5 रुपए तक का जो है भाव है। अब ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि फौलादी के सट्टा बाजार में जिस पार्टी के लिए भाव कम होता है, जो उसके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा प्रबल होती है, ज्यादा भाव वाली पार्टी में जितने के आसार काफी कम होते हैं। और फिलहाल सट्टा बाजार बीजेपी को 119 से 122 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को महज 60 से 68 सीटें पर सिमटता हुआ बता रहा है, और इसके हिसाब से यहां सट्टा भी खेला जा रहा है। अब बात अभिषेक मनु सिंघवी के दावे और सट्टा बाजार की हकीकत की कर देते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया उसमें लिखा है, फौलादी का सट्टा बाजार आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। ऐसे में पहले हुए चुनाव का सट्टा बाजार के दावों की बात कर लेते हैं। सटोरियों ने मई में कर्नाटक में जो अनुमान लगाया था वो सही निकला। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस को 135 सीटें मिली जबकि अनुमान 137 सीटों का था। बीजेपी को 55 सीटों का अनुमान था, 66 सीटें जो है उन्हें हासिल हुई। फौलादी के सटोरियों का गुजरात में भी बीजेपी सरकार का अनुमान सही निकला। हिमाचल में कांटे की टक्कर का अनुमान भी रिजल्ट के करीब ही बताया गया। आखिरकार वहां कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के दावे में कांग्रेस बीजेपी को जितनी सीटें का अनुमान जताया जा रहा था वो सट्टा बाजार की हकीकत से बिल्कुल अलग था, यानी गलत था। और वहां पर भी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो चीज उन्होंने कांग्रेस के लिए बताई वो सट्टा बाजार का आंकड़ा बीजेपी के लिए था, और जो बीजेपी के लिए बताई वो कांग्रेस के लिए था। यानी साफ तौर पर अगर सट्टा बाजार के आंकड़े सही होते हैं तो कांग्रेस में सत्ता पलट होने के हाई चांसेस है, और कांग्रेस जो है सत्ता में काबिज नहीं हो पाएगी, उल्टा कमल खेलने के चांसेस जो है राजस्थान में भारी मात्रा में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी माहौल में किस तरीके से चीजें बदलती है, चुनावी माहौल में किस तरीके से जो है राजस्थान में चीजें जो है अलग तरीके से देखने के लिए मिलती है, परिवर्तन जो है देखने के लिए मिलता है, और किस तरीके से गहलोत सरकार जो है इसे लेकर अपने तरफ से तैयारी करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो कांग्रेस से यूं कहिए कि राजस्थान से नाराज नजर आ रहे हैं, और अभी तक एक भी रैली उन्होंने नहीं की है। इसका भी क्या असर होता है, और जिस तरीके से चुनावी कई सारे मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हो, क्राइम से जुड़ा हो, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हो, या पेपर लीक मामला हो, ये सारी चीजें कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में राजस्थान के चुनाव में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में हम आपको जो है अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जुड़ाव हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।